अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमैरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदेद। तो जनाब शुरू करते हैं व्लॉग। व्लॉग में क्या है आजकल, आज का क्या टॉपिक है, क्या लेकर आई हूँ आजकल जो है ना। मतलब सब मुझसे कह रहे हैं जो मेरे मतलब जान पहचान के लोग हैं कि क्या बात है, दिल भर गया YT से और ना अब आपने व्लॉगिंग छोड़ दी, यूट्यूब पर कोई आपकी व्लॉगिंग वाली वीडियो नहीं आ रही। मतलब ये हमारे व्यूवर्स नहीं, इधर उधर के जो जान पहचान के लोग हैं उन्होंने कहा, तंज भी कर रहे हैं कुछ लोग, मैं समझती हूँ। तो जनाब मैं आप सब लोगों के लिए ये बात कह दूँ कि मैंने किसी वजह से अभी व्लॉगिंग को रोका हुआ है और फिर हाल में इस पे मतलब रिएक्शन कर दे रही हूँ और व्लॉगिंग नहीं कर रही। व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही, इसमें मेरा दिल बहुत दुखाया है। मेरे जो कमेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने मेरा दिल बहुत दुखाया है, तो मैं काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ जिसकी वजह से मैंने अभी ब्रेक किया हुआ है व्लॉगिंग को। व्लॉगिंग मैंने करना है इंशाल्लाह। और कुछ पर्सनल मसाइल हैं आजकल, मैं बड़े क्राइसिस से गुजर रही हूँ, कुछ हालात सही नहीं है, मौसम सही नहीं है, हालात सही नहीं है, समझ रहे हैं ना जी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह गाइस, तो फिर मैं आपसे एक मशवरा भी यही करना चाह रही थी कि मैं चाह रही हूँ आजकल कि मैं मतलब कोई घर में बैठ के सिलाई विलाई का काम शुरू कर दूँ और कोई सिलाई सेंटर्स खोल लूँ ताकि लड़कियों को मैं सिलाई का कोर्स वगैरह करवा सकूँ। ये आज मैंने सोचा है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस पर अमल भी कर लूँगी। मुझे ये काम सिलाई मुझे बहुत अच्छी आती है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं। मैंने भी सिलाई मतलब मैं काफ़ी सिलाई तो मैंने काफ़ी साल की है, 10 साल तक की थी पहले, फिर ब्रेक आ गया, बीच में छोड़ दिया मैंने। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से सिलाई स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है करना तो है कुछ ना कुछ, तो दाल रोटी तो चलानी है भाई साहब। तो गाइज आज चलें, आज जाएँ फिर YT की गलियों में। YT की गलियों में आजकल आज जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ छाई हुई है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बेबो आंटी, मेरी प्यारी प्यारी सी सदाबहार बेबो आंटी, जो सारे हेटरों की आजकल कंटेंट बनी हुई है, सितारा यासिन की सपोर्टर और सलमा यासिन के सपोर्टर, सितारा यासिन के सपोर्टरों की वो हेटर जो है ना वो कंटेंट बनी हुई है। तो कुछ बातें कर लेते हैं भाई। दरअसल बात ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ बेबो आंटी, आपने जो बोया आपने वही काटा। दरअसल हमारी बेबो आंटी ना दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं, मगर दिल कोई नहीं देखता। हाँ ज़बान की बहुत गंदी, गंदी नहीं वाहियात, मतलब ज़बान उसकी जो है ना वाहियात वाली ज़बान है। तो खैर अपने ज़बान के वाहियात उनको सब ने मतलब रोका रोका रोका, प्लीज़ 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 स्टॉप स्टॉप ज़िपर, मगर वो बाज ना आई। आखिर में उन्होंने क्या किया, जज्बात में आके उन्होंने उल्टे सीधे उल्टे सीधे, इसके बच्चे उसके बच्चे, इसकी तस्वीरें उसकी तस्वीरें की अंबार लगा के अपना चैनल टाइम टाइम फिश कर लिया। टाइम टाइम फिश याद है ना आपको? जी हाँ, ये वही टाइम टाइम फिश है जो बेबो आंटी करके बैठ गई। अब उसके बाद जो है सितारा यासिन के सारे जो सपोर्टर है उन्होंने बेबो आंटी को अच्छी तरीके से यूज़ किया ना, सब ने मतलब बेबो आंटी के कंधे पर रख के बंदूक चलाया। बेबो आंटी हमारी जज्बाती आंटी, उनको जाहिद भाई ने समझाया, उनको हर दूसरे ने समझाया कि बेबो आंटी प्लीज़ गाली गलौज ना करना, बच्चों तक के बात ना लेके जाओ, अपने औकात में अपने हद में रह के रिएक्शन करो चैनल पे बैठ के, ज़ातियात पे मत जाओ। मगर बेबो आंटी तो फिर बेबो आंटी है, वो तो है फुलन देवी, वो तो है गुंडी, इस्लामाबाद की गुंडी, YT की दुनिया की टॉप की गुंडी जो है वो है बेबो आंटी। वो अपने आप को खुद कहती हैं कि मैं हूँ गुंडी, मैं हूँ ऐसी वैसी, तो वो बाज ना आई। अब मतलब चैनल तो चले एक ऐसा खसारा था जो दोबारा वो पूरा कर लिया उन्होंने, बेबो रिएक्शन चैनल उन्होंने बनाया, दोबारा से चैनल बन गया उनका, चलो भाई कोई मसला नहीं। और दूसरी बात ये कि ना ये इतना बड़ा नुकसान नहीं था बेबो के लिए। बेबो साहिबा के लिए जो अब नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि हस्बैंड वाइफ में हो गई है लड़ाई। जी हाँ, बहुत ज़्यादा शदीद वाली हो गई लड़ाई हस्बैंड वाइफ में, और उनके हस्बैंड ने एक तलाक भी दे दी बेबो आंटी को। अब बताएं बेबो आंटी, आपके ऊपर तो मतलब अफसोस हो रहा है, तरस आ रहा है, मगर बात वही है कि जैसी करनी वैसी भरनी,
आपको किसी पे तरस नहीं आया, आपको किसी पे रोना नहीं आया, आपको किसी पे अफसोस नहीं हुआ, आपको मासूम बच्चों को आपने इतना जलील किया, उस सितारा यासीन के पीछे आप हाथ धो नहा धो के बैठी हो, आपको बिल्कुल पछतावा नहीं है कि मैंने ये क्या किया। आप बीमार हुई, आपने सबसे माफ़ी मांगी, हम लोग बड़े खुश हो गए, चलो बेबो आंटी को अल्लाह ने हिदायत दे दी। मगर नहीं, बेबो आंटी जब जैसी ठीक हुई हैं वो पहले से भी ख़तरनाक नागिन बनकर सामने आ गई, और अभी उन्होंने रिएक्शन चैनल बना लिया पुराने चैनल को खोने के बाद, तो वो उसमें उससे ज़्यादा भी वाहियातीपन दिखा रही हैं। गाली गलौज तो नहीं कर रही हैं मगर बहुत ज़्यादा। अभी बेबो आंटी 2022 का ये जो दिसंबर है, मेरे ख़्याल से बेबो आंटी को फारिग ही कर देंगे उनके हस्बैंड, ये उनका खसारे का साल है। ठीक है, उन्होंने मुसलसल किसी के पीछे वीडियो बनाई, किसी के को हिट किया हिट किया हिट किया, दिल आज़ारी की, रुलाया, दुख पहुंचाया, दुख पहुंचाया, दुख पहुंचाया। अब बेबो आंटी भी दुख उठा रही हैं अपने ही घर के हाथों, अपने ही हस्बैंड, मगर हस्बैंड ने एक तलाक दे दी उनको, हस्बैंड से हो गई उनकी लड़ाई, और एक उनकी सिस्टर हैं उनसे भी हो गई। तो अब ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मतलब साजिद ने ऐसा मेरे शौहर का कान भर दिया, तो सितारा ने मेरे शौहर का कान भर दिया। अरे भाई, सितारा साजिद तो दूर की बात है, बेबो आंटी आपकी तो हर वीडियो हम सब गवाह हैं, हम सब देखते हैं आपकी हर वीडियो को, आप क्या करती हो वीडियो में बैठ के, कैसे मज़े लेती हो, कैसे बच्चों को की इज्जतों को तार तार करती हो। तो सितारा और साजिद तो दूर की बात है, आपकी बहन दूर की बात है, आपका हस्बैंड दूर की बात है, हम सब वाईटी पे आपकी वीडियो के गवाह बैठे हैं। तो फिर मैं वही कहूँगी, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, मगर बेबो आंटी को चैनल का भी दुख नहीं था इतना, ठीक है। अब उनके रिश्ते में दरार पड़ गई, उनके घर में दरार पड़ गई, उनका घर टूट गया, तो इसमें भी मतलब बेबो आंटी, जोहा विलोगर, ये सब बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रही हैं कि सितारा यासीन ने बेबो का घर ख़राब कर दिया। अबे सितारा यासीन ने कैसे बेबो का घर ख़राब कर दिया, बेबो तो अपने हर काम की, हर उसकी खुद ज़िम्मेदार है। तो इसमें सितारा बीच में कहाँ से आ गई, माजी की बातों को डालो मट्टी, अभी हाल हाल की बातें करो। हाल हाल की बातों में सितारा यासीन को फिर घिसेड़ रही हैं ये जोहा विलोगर हो गई, ये सारी जो हेटर्स बैठी हैं, जिनको सलमा यासीन जो है ना मुंह में नोटों की गड्डियां भरती है, जिनके रिश्वत भेजती है, जिसको रिश्वत खोर औरतें हैं ये, ठीक है, जो रिश्वत खाती हैं सलमा यासीन से सितारा के ख़िलाफ़ बोलने के लिए, इनको मिलते हैं पैसे। तो फिर इन लोगों ने फिर सितारा को घिसेटना शुरू कर दिया, फिर सितारा को घिसेटना शुरू कर दिया, फिर सितारा के हस्बैंड को घिसेटना शुरू कर दिया कि अब ये सितारा बीच में कहाँ से आ गई, बेबो आंटी आपने तो जो किया वो किया। अब बेबो आंटी की दाल नहीं गल रही है, मियाँ से उनके मियाँ ने उनके गुत पकड़ के जो है ना धब्बा धब धब्बा धब धब्बा धब लगाया और बोला, संडी तू बैठ, मैं हूँ चल्ला, हूँ तू कल्ले ही बैठ। तो वो बस बैठी हैं, मैं अब नहीं छोड़ूंगी, अरे भैया मैं छुप जाऊँ कहाँ छुप जाऊँ, गाइस मेरे को तो बहुत डर लग रहा है कि बेबो आएगी घोड़े में बैठ के पहन के, वो टक 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 टक, बेबो इज बैक कराची, अब तो बेबो के हाथ में तलवार है और अर्तगल की तरह आके वो यूं करके मुंडियाँ उड़ाएगी सबके। मुझे तो ऐसे ही लग रहा, जिस तरह बेबो खौफनाक खतरनाक बनी हुई है। तो बेबो आंटी प्लीज़ अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है सुधर जाओ। जाहिद भाई ने कितना तुम लोगों को समझाया, कितना तुम्हें जाहिद भाई ने समझाया, गाली गलौज बंद कर दो। देखो बच्चों की बदुआ लगी ना, तुम्हारा घर ख़राब हो गया, घर ख़राब हो गया। वैसे तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब तलाक हो या वैसे हो या ऐसे हो, तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जैसी औरतों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम आपने अपने व्लॉग में भी बोला है कि मुझे कोई तलाक वलाक से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने अपने हस्बैंड को वार्निंग भी दी है, तो चले आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको रोशनी डाले, आपके दिमाग को नमाज पढ़ें, आप अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआ करें कि या अल्लाह मैंने जो गलतियां कर ली, अब मैं मज़ीद मुझे इसकी तौफीक मत देना,
मेरा दिल अल्लाह पाक से, मेरी भी दुआ है, सुमैरा की फैमिली की भी दुआ है कि अल्लाह पाक बेबो के ख्यालात चेंज कर दे, उसका दिल बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। किसी पे तोहमत लगा लगा के रोटी ना खाओ, किसी के बाल बच्चों को गलत बोल बोल के रोटी ना खाओ। वाइटी इसलिए नहीं बना, इसलिए नहीं ब्लॉगिंग शुरू करो किसी के ख़िलाफ़ के लिए। तो और मैं क्या बोलूँ, बस बेबो आंटी के लिए यही कहना था मुझे कि धमकियाँ मत दें बेबो आंटी, आप मुँह की मत हाँकें, ठीक है, कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी। इससे कुछ नहीं चलता, ये धमकियों का दौर नहीं है, ये इन धमकियों से कुछ नहीं होता। सितारा यासिन का आप बाल भी बेकार नहीं कर सकती, आप सिर्फ वाईटी की दुनिया पे बैठ के भोंक सकती हो, जैसे वो जोहा भोंकती है सुबह दोपहर शाम रात, चार दफ़ा भोंकती है, दो दफ़ा किरण रिएक्शन पे, दो दफ़ा जोहा बिलोगर पे भोंकती है। तो भोंक भोंक के क्या कर लेगी वो। और ये देखें, और गाइस तबीयत सही नहीं है मेरी, मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, तो ये देखें मैंने बिल्कुल अपने ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा, मेरी भी तबीयत सही नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है और कुछ परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं आपसे डिस्कस करूँ फिर किसी वीडियो में, इंशाल्लाह आपसे तफसील के साथ डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने बेबो आंटी के ही बारे में बात करनी थी आप सबसे, कि गाइस आप लोग ख़ुद फ़ैसला करें कि जैसी करनी वैसी भरनी, और बस सितारा हो जाओ होशियार, आ रही है बेबो। तो गाइज़ ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने बेबो आंटी के उस पर बनाया और आप लोगों के साथ डिस्कस किया अपने ख्यालात को, और बाकी अल्लाह हिदायत देने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम सब आपके साथ एक नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी व्लॉगिंग लेकर हाज़िर होंगी आप सबके। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, आपको मेरे चेहरे से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप ही कितनी परेशान है। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे अपने आप ही को सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।